हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर इसमें जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो सेटिंग ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा तो आपको सर्च करना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप टाइमिंग वगैरह चेंज करते हैं तो जो आपकी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़ोन के आइकन शो हो रहे हैं तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपकी सेटिंग शो हो जाती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो यहाँ से भी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टाइमिंग को आपको चेंज करना होगा और चेंज करते ही आपकी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक